सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश, आज चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में हम आज पढ़ रहे हैं मानव प्रजाति, जो मानव भूगोल का टॉपिक है। और मानव प्रजाति से पढ़ना प्रारंभ इसलिए करें कि जब मानव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपको सबसे सर्वप्रथम मानव प्रजाति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम मानव प्रजाति का जो टॉपिक है उसमें हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर परिभाषा देखेंगे, उसके आधार पर उसके मानव के सारे लक्षणों के आधार पर मानव प्रजाति को वर्गीकरण देखेंगे, और अलग अलग वर्गीकरणों अलग अलग प्रजातियों के बारे में अलग अलग जो तथ्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भूतल पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर कुछ वर्गों में मानव को विभक्त किया जाता है, उसे जाति या स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। भूतल पर पाए जाने वाले जीवों को जो विशेषता होती है उनको कुछ वर्गों में विभक्त कर देते हैं, इस वजह से उसको जाति का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के जीवों के वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट जाति है, जो बौद्धिक विकास के क्रम में सर्वोपरि है, मानव जाति के उपवर्ग को प्रजाति कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में, अगर साधारण सी भाषा में आपसे समझे इस बात को, तो आप समझ सकते हैं कि मानव जाति का जो उपवर्ग है, सब क्लास है, उसको प्रजाति या रेस कहते हैं, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों या प्रजातियों से अलग करते हैं। इनकी सेपरेटनेस या अलग होने की जो प्रवृत्ति है वो उनके वंशानुक्रम के कारण उनमें विशिष्ट शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इन कारणों से वे अन्य मानवों से अलग प्रतीत होते हैं। यह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग होता है जिसमें वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। इन शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का रंग, शरीर का इसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कितना है, बालों की बनावट कैसी है, सिर की आकृति लंबी है चौड़ी है, सिर की आकृति कैसी है, नाक की आकृति कैसी है, आंख कैसी दिखाई देती है, अपना मुंह कैसा है, जबड़ा कैसा है, आदि के आधार पर मानव प्रजाति को वर्गीकरण किया जाता है। अतः समान आनुवांशिक विशेषताएं होने के कारण इनको अलग अलग प्रजातियों में पहचान मिलती है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य में विशेषताएं पूर्ण व्यक्ति के रूप में अलग अलग होती है जो अन्य पुरुषों से अलग होता है। कम और ज्यादा, कम और बेस, कहीं कहीं मानव में विशेषताएं होती है लेकिन वो समान रूप से भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ उनमें अंतर भी होता है। इस वजह से ये मानव, प्रत्येक मानव समान एज इट इज सेम 100% सेम दिखाई नहीं देता, लेकिन एक वर्ग, एक समूह, एक क्लास एक अलग ही तरह के दिखाई देता है। ये समान लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ये हो गया मानव प्रजाति का परिचय, आधारभूत संकल्पना जो हम इसमें इसके बारे में और चीजें देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं मानव प्रजाति की परिभाषा, या पहले सबसे पहले प्रजाति की परिभाषा। प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द से रूपांतरित या उत्पन्न या रूपांतरित हुआ है,
जिसका प्रयोग सर्वप्रथम इटालियन भाषा में किया गया था। इटालियन भाषा में रेस RACE रेस को रदा शब्द से लिया, RAZZA रदा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। रदा शब्द का अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल, परिवार, वंश या नस्ल। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव प्रजाति एक जैविक विचार है, जिसका अर्थ ऐसे मानव वर्ग से है जो नस्ल से संबंधित हो, वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो, नस्ल से संबंधित हो और वंशानुक्रम जो वंश उनका चलता आ रहा है एक मानव का, उसके द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो, उसको प्रजाति कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात कि अधिकांश शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन रेस भाषा का जो आविर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, वो इटालियन भाषा से हुआ है, जो रजा RAZZA रजा से हुआ है। यहां मैं आपको ज्योग्राफी के जन्मदाता बाइडल डी ला ब्लास महोदय की जो परिभाषा दी है प्रजाति की, उसका भी मैं आपको जो परिभाषा है मैं आपको बता देता हूं। प्रजाति का तात्पर्य बाइडल डी ला ब्लास महोदय ने बताया है कि उनके अनुसार प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक मतलब शरीर, उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव की काया की आकार की, उसकी दिखने में कैसा आकार की अथवा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। रेस टू मीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक एफेक्टेड आइदर द मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव की आकार की अथवा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। आप यहां इस बात को ये समझें कि मानव के शरीरों के विशिष्टता, समानता और असमानताओं के आधार पर ही हम इनका वर्गीकरण करते हैं। सर्वप्रथम जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हाइट, सर्वप्रथम शरीर का कद देखा जाएगा, उसके बाद में खोपड़ी की आकृति स्ट्रक्चर देखा जाएगा, उसके बाद में त्वचा का कलर देखा जाएगा, मतलब इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, त्वचा का वर्गीकरण। उसके बाद में अपनी नाक की आकृति कैसी होती है, अलग अलग लंबी चौड़ी अलग अलग हो सकता है, होठ कैसे दिखाई देते हैं, बाल घुंघराले हैं या सीधे हैं, कैसे हैं, ये अलग अलग शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो आधार हैं, उनको 5-6 जो आधार हैं उनको अलग अलग हम आपको बताएंगे, जिसमें आपकी काफी सारी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको मानव भूगोल के सिलेबस में मानव प्रजाति का जो होम टास्क है वो आप करें, मानव प्रजाति की परिभाषा देखें, जो माजिद हुसैन साहब की भूगोल की बुक है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ये आपको तीसरे या चौथे चैप्टर में आपको ये मिल जाएंगी, और आप इसकी परिभाषा और इसका परिचय तैयार करके मुझे भेजें। थैंक यू।